ये हमने जो रिकॉर्डिंग बनाई है कौन सी बजे ये बॉटम ऑफ मैंने किसके लिए लिखा है बॉटम ऑफ कैसे हुई ये टॉप ऑफ ये वन एंड के लिए ना सॉल्व कर दो ओके लुक एट दिस Now let me make its bottom of recurrence. And what will be bottom of recurrence? Look at this. मैं कहता ही हूँ. पहले तो ना ऐसा करो इसका base case लिखो. C I I is actually equal to zero. क्या मतलब? पहले one one की भी zero है. Two two की भी zero है. Three three की भी. मेरे पास matches मेरे अपने मैंने एक ही length की. ठीक है? ऐसी है? आ गया. अब मैं निकालता हूँ C I J इसका मतलब क्या है? पहले उसी से इसका मतलब क्या है? इक्वल टू क्या है? जो मेरा सब प्रॉब्लम है वो क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स नंबर I से लेकर मैट्रिक्स नंबर J तक मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पाना है. मैट्रिक्स नंबर I से लेकर मैट्रिक्स नंबर J तक मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पाना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ अगर मुझे 3 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन चाहिए तो यू किस एंट्री में पढ़ा ये पढ़ा होगा C 3 5 बात समझ ठीक है. सिमिलरली मुझे 2 से लेकर 5 तक चाहिए तो मैं कहां पढ़ा होगा C 2 5 ये बात समझ. और मेरा पूरा आंसर काम करो C ये क्या कहेगा 1 1 एंड आंसर मेरा सारा मेरा जो एक्चुअल आंसर पढ़ा होगा पढ़ा होगा 1 एंड और ये आपने मुझे बताना है कि ये टॉप डाउन ये भी टॉप डाउन है या ये बॉटम अप. ये करता क्या है मैं कहता हूं मिनिमम निकालो किससे वेरी के फ्रॉम आई टू लेस देन जे ओके. और इसको देखते हैं ठीक है. यहां पर ये वन से एन तक था लेकिन यहां पर देखिए क्या यहां पर मैं कहता हूं मिनिमम ऑफ सी I to K, ठीक है? G plus C K plus 1 to 2 J, ठीक है? Plus अब मुझे multiply करना है. क्योंकि ये चांग किसने दिया हुआ मुझे? ये छोटा problem है ना? और ये भी छोटा problem है. ये बाबा जी ने दिया हुआ नहीं. ये मुझे table lookup से मिला. क्योंकि ये इसका छोटा पार्ट ओके लुक एट दिस पिक्चर एंड मेरे आई से लेकर के तक जो है इसका आंसर निकाला है तो इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी होगी वो किस किधर बैठ रही है क्यों आई टू के तक है ना उसकी मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी होगी एम ये आई से के तक है तो आई अगर मैं कहता हूं 2 है और 2 से 5 तक है तो उसकी डायमेंशन क्या होती है M1 ये होगी और यहाँ पर M5 तो जी यहाँ क्या होगा ये मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी होगी M I minus one और ये क्या होगी M K यहाँ क्या होगा M K और यहाँ क्या होगा M J. आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सर्कल कितनी बनेगी बनेगी वो होगी M I minus one into M K into M J. इसमें से हम निकालेंगे ठीक है
सेंस। तो ये हमारी टॉप डाउन की तरह से ये हमारी बॉटम अप मतलब ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो लुक एट दिस सी आई जे मैंने निकाला है, मैं के को भेज करूंगा कहां से आई से लेकर जे तक और मैं कहता हूं पहले सी आई के कंप्यूट कर लो फिर के इस पे जितनी कॉस्ट आएगी वो तो आएगी आएगी फिर सी के प्लस वन से लेकर जे तक कंप्यूट कर लो फिर वन वन जी ठीक है चलेगा बेटा। इसकी डायमेंशन लिख लिया जिसकी डायमेंशन लिख लिया उसके हिसाब से यहां पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी और ये हमारा इसमें से जो मिनिमम होगा वो होगा। सो फ्रॉम ऑल द कट्स आई विल चूज द कट जो के सबसे कौन सा है मिनिमम बस ना ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड लुक एट द कोड। ये मैं पहले डीपी वाला डीपीवी वाला कोड बता रहा हूं और फिर मैं आपको उसका सीआरएस का कोड ये सर दो हमारी बुक्स हैं एक हमारी डीटी की बजरानी वाली बुक है और फिर हमारी एक एक और जो है वो सी आर एस। ये देखिए जी ये प्लीज ये कोड जरूर देखना है क्योंकि इट्स अ रियली नाइस कोड और आई रियली वांट कि आप ये जो आप देखें प्लीज साइलेंस उसी क्लास क्लास Yeah.